पहिया हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम रोजाना इसके किसी न किसी रूप से रूबरू होते हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रेन जैसे यातायात से जुड़े लगभग हर साधन में इसका प्रयोग किया जाता है। पहिया भले ही एक गोल सामान्य से दिखने वाली चीज हो, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसने हमारी दुनिया को बदला है। निश्चित रूप से मानव इतिहास की एक बड़ी खोजों में से एक है। तो आइए आज जानते हैं पहिए से जुड़े दिलचस्प पहलुओं को। इतिहास के अनुसार पहिए की खोज मानव ने ही की थी, पर किस व्यक्ति ने की थी यह एक दिलचस्प सवाल है जिसका सही जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। हाँ, इसकी खोज को लेकर अलग अलग तरह के अटकलें जरूर लगाई जाती रही है। माना जाता है कि पहिए की खोज 9500 से 6500 ईस्वी पूर्व पाषाण युग में हुई थी। कहते हैं सबसे पहला मिट्टी का पहिया एक कुम्हार द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। ऐसा एक अन्य धारणा के मुताबिक पहिए की खोज इराक में की गई थी, जिसे 3100 ईसा पूर्व का बना हुआ माना जाता है। कहते हैं मिट्टी और चूना पत्थर के मिश्रण से बने इस पहिए ने उस समय के लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया था। इसके आने के बाद लोगों के काम करने की रफ्तार दोगुनी हो गई थी। सामान ढोने का काम भी पहले से काफी आसान हो चुका था। वक्त बीतता गया और पहिए बदलते गए। आरंभिक तौर में पहिए भी गोल आकार के हुआ करते थे। इन पहियों के बीच में एक छेद किया जाता था जिसमें से एक लकड़ी होकर गुजरती थी और दूसरे पहिए से मिलती थी। यह पहिया काफी समय तक चलता, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह फेल हो गया। इसके बाद लकड़ी के पहिए बनाए गए, पर वह भी कुछ खास न रहे। बदलाव की इस कड़ी में मोटी डंडियों वाले एक नए किस्म के पहिए का बनाया गया। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी पहिए का इस्तेमाल करते थे। उनकी बनाई गई कुछ कलाकृतियों में इसके प्रमाण मिलते हैं। डंडी वाले ये पहिए रथ, रिक्शा और ठेले जैसी चीजों में इस्तेमाल होते थे। 1870 तक मोटी डंडियों वाला यह पहिया चलता रहा। फिर इसमें बदलाव करके डंडियों को पतली तारों में तब्दील कर दिया गया। ऐसे पहिए आजकल साइकिल पर देखने को मिलते हैं। यह एक जमाने में गाड़ियों में भी इस्तेमाल हुआ करते थे। आज के दौर में मेट्रो, बस, गाड़ी, बाइक आदि में प्रयोग होने वाले पहियों का स्वरूप बदला है। टायर, ट्यूबलेस, यहाँ तक कि अब तो लोहे के पहिए भी आप देख सकते हैं। पहियों में ढेर सारे बदलाव भले ही हुए हैं, लेकिन इसकी गोल आकार की संरचना में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। 1974 में पोलैंड में एक पुरातत्व विभाग की टीम ने एक मटका खोजा था। वह मटका बहुत ही पुराना और प्राचीन था। इस मटके पर कुछ चित्र बने हुए थे जो हैरान कर देने वाले थे। इस चित्र में एक पहिए वाली गाड़ी भी दर्शाई गई थी। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उस मटके पर रिसर्च की तो पता चला वह 3400 ईसा पूर्व के आसपास बना था। हालांकि इस रिसर्च के बाद यह नहीं पता लग सका कि यह पहला पहिया ही था या नहीं। हाँ, यह जरूर माना गया कि यह पहिया गाड़ी जरूर ताम्र युग या उससे पहले से चलती आ रही है, क्योंकि ताम्र युग मानव को बदलने वाला युग माना जाता है। इसलिए कहा गया कि पहिया इसी युग की देन हो सकता है। 2002 पुरातत्व विभाग के लोग स्लोवेनिया की राजधानी जुब्रजाना में थे, तभी उन्हें वहां लकड़ी का बना एक पहिया मिला। सब उस पहिए को देखकर हैरान थे। बाद में इस पहिए पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वह 50,000 साल पुराना था। माना जाता है कि जो पहिया जुब्रजाना से मिला था वह किसी दुपहिए रिक्शा का था। 2016 में ब्रिटेन में एक पुरानी लकड़ी का पहिया पाया गया। इसकी लंबाई 1 मीटर थी। इस पहिए को जब रिसर्च के पैमाने पर उतारा गया तो पता चला वह 1100 से 800 ईसा पूर्व पुराना है। इस पहिए के पास एक घोड़े की हड्डी भी मिली थी, इसलिए कहा गया कि यह पहिया घोड़े और घोड़े गाड़ी का हो सकता है। आग की खोज के बाद पहिए की खोज को समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी योगदान माना जाता है। मानव धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अब उसे व्यापार शुरू करना था, नई जगहों पर जाना था। ऐसे में भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती मानव के सामने थी, पर पहिए के आविष्कार ने इसको आसान बना दिया। वक्त के साथ साथ पहिए का उपयोग इंसानों के लिए अहम होता जा रहा था। यातायात से लेकर व्यापार और हर जगह पहिया हिट चलता आया। यह मानव जाति द्वारा किया गया एक ऐसा आविष्कार है जिसने आने वाले समय में
तोड़ इसका मुश्किल ही दिखाई देगा। फिर भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे अन्य आविष्कार हमें देश के वैज्ञानिकों से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी पहिए की हिस्ट्री, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।